जित देखूं तित श्याम मई है। जब आप हमेशा अपने हृदय में उठते बैठते सोते जागते युगल स्वरूप की भावना करेंगे, सोते समय भी युगल स्वरूप का भाव लेकर के सोएंगे, उठते समय भी युगल स्वरूप का भाव लेंगे, तो स्थिति आपकी ऐसी बन जाएगी कि हर पल आप राज्य के दीदार के लिए तड़पते रहेंगे और यह स्थिति आपको चरम लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसको कहते हैं सेज सुरंगी परले। आपने अपने हृदय को अति सुंदर सज्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जब तक आप मूल संबंध की पहचान नहीं करेंगे, अपने हृदय को विरह के रस से सिंचित नहीं करेंगे, श्रद्धा का तकिया और समर्पण की चारपाई लेकर स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर देंगे, तब तक आपकी सज्जा कहाँ से तैयार होगी। इसलिए जिन्होंने श्रद्धा समर्पण और विरह के फूलों से सज्जा तैयार कर लिया, उनके लिए राज्य एक पल की देरी किए बिना उनके धाम हृदय पर विराजमान हो जाते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, मैं अर्धांगनी आपके लिए तड़प रही हूँ, मैंने अपना हृदय अपना दिल आपको दे दिया है और मूल संबंध की पहचान करके अति सुंदर से जा मैंने तैयार कर रखी है, इस पर आइए और विश्राम कीजिए। अर्स तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। आप पूरी रात रात भर परिक्रमा देते रहिए, ये तो शरीर से होने वाला एक कर्मकांड है, आपको राज्य के दर्शन कैसे हो जाएंगे। हाँ, बहुत आपका हृदय निर्मल होगा तो एक झलक मिल सकती है, लेकिन जिसको पूर्ण दीदार कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, अपना हृदय उनको सौंपना पड़ेगा। परिक्रमा का फल क्या होता है? देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। जो पूर्व के बंधन रहेंगे अशुभ कर्मों के, वो कम हो जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि देत परिक्रमा दीदार हो ही। हक किलम से होते है अर्श बका दीदार। तारतम वाणी का ज्ञान आपको निस्बत की पहचान कराएगा। निस्बत की पहचान होगी तब तो आप राज्य से प्रेम करेंगे, बिना प्रेम के दर्शन कहाँ से होगे। प्रेम का लक्षण क्या है? जिसमें नैनों की पलकें बंद न हो, यानी जब आपकी सुरता राज्य को देख रही है तो वहाँ से ध्यान कभी हटे ही नहीं। आपके दिल में इतना विशुद्ध प्रेम हो जाए कि नहीं, ये नज़र हमेशा उन पर टिकी रहे, एक भी माया का विचार ऐसा ना आ जाए कि दर्शन बंद हो जाए। जैसे श्री देवचंद जी की सुरता अखंड ब्रज में पहुँच जाती है और घुंघनी का प्रसाद खाने के लिए जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाते हैं, हाथ टकरा जाता है, ध्यान टूट जाता है, जो दर्शन हो रहा था वो दर्शन बंद हो जाता है। इसलिए जो सुंदर साथ कहते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं, वो भ्रम के शिकार हैं। यदि श्री देवचंद जी का हाथ टकराने मात्र से उनका दर्शन बंद हो जाता है तो आप चलते फिरते कैसे चितवनी करके दर्शन कर सकते हैं? आपकी शोभा श्यामा जी से तो बड़ी नहीं हो सकती, देवचंद जी से ज़्यादा त्याग आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप चलते फिरते चितवनी की बात करते हैं तो आप अपने को धोखे में रख रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चितवनी चितवनी है, चितवनी में आपका शरीर मन सब कुछ शांत हो जाना चाहिए, बुद्धि में किसी तरह का विचार नहीं होना चाहिए। जैसे हाथ पर आंवला रख कर किसी को दिया जाता है, इसको कहते हैं हस्त आमलकवत, दर्शन का सूत्र है। जैसे हाथ पर आंवला रखकर किसी को दे दिया जाए, उसी तरह से आप अपना दिल राज्य को सौंप दीजिए। दिल जैसे ही सौंपेंगे, दिल में उठने वाले सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, सारी चाहनाएं समाप्त हो जाएंगी। जनक ने अपना दिल दिया अष्टावक्र को, परिणाम क्या हुआ? दिल देते ही वो ब्रह्मचारी हो गए। घोड़े पर चढ़ने में कितना समय लगता है? आधे मिनट। आधे मिनट के अंदर अष्टावक्र ने जनक को ब्रह्मचारी बना दिया। नहीं तो लोग सारी जिंदगी साधना करते रहते हैं गुफाओं में, कोई ब्रह्मचारी पैदा नहीं होता। ये सब कुछ तो दिल का खेल है। जिसने अपना दिल राज्य को सौंपा, उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। वही कह रहे हैं सब तन विरह खाया। विरह ने क्या किया है? सारा तन विरह की अग्नि में जलकर राख हो गया है।
पूजा करना बहुत सरल है, पाठ करना भी बहुत सरल है, विरह में डूबना बहुत कठिन है। पहले तो इस संसार में कोई किसी को अपना हृदय नहीं देता, मुख पर सभी कह सकते हैं हम आपको बहुत चाहते हैं बहुत चाहते हैं, सच्चे हृदय से चाहने वाले तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और आज के युग में तो सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले किसी भाग्यशाली को ही मिल सकते हैं। आप सारी पृथ्वी का शासन कर सकते हैं, संभव है। सारी पृथ्वी की संपदा आप अपने घर ला सकते हैं, संभव है। विश्व के सबसे बड़े विद्वान बन सकते हैं, संभव है। लेकिन आप सच्चा प्रेम परब्रह्म से करें और आपसे भी कोई आत्मा कोई व्यक्ति सच्चा प्रेम करे, ये किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त हो सकता है। ये सबसे बड़ी संपदा है। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, सब तन विरहे खाइया मेरे धाम धनी, आपके विरह ने मेरे सारे तन को खा लिया है, मेरे शरीर में क्या बचा है, हड्डियों का ढांचा। लेकिन यह मत सोचिए कि आप भी अपने शरीर को भोजन से रहित करके हड्डियों का ढांचा बना लेंगे तो राजी आपको मिहराज के बराबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका हृदय अभी मिहराज की तरह निर्मल तो नहीं हुआ। सबसे आवश्यक है अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो ज्वाला धधकती है लाखों जन्मों से, उसको समाप्त कर देना। और वो कब होगा, जब हम प्रतिदिन राज्य का ध्यान करेंगे। जो जिसका ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है। आपने सुना होगा रावण हमेशा उठते बैठते सोते जागते राम के बारे में सोचा करता था कि यह वनवासी राम समुद्र पार करके मेरी लंका में आ गया है, पता नहीं कब क्या कर दे। कंस हमेशा उठते बैठते कृष्ण का ही ध्यान करता है कि पता नहीं वो ब्रज में चला गया है मेरा शत्रु, कब बड़ा हो जाए कब मुझे मार दे। कंस को नींद नहीं आ रही है, वो दोनों पापी हैं, कंस भी पापी है रावण भी पापी है, लेकिन किसी न किसी रूप में ध्यान किसी और का कर रहा है। यदि आप किसी वन में पहुंच गए और घनघोर वन में रहकर भी माया का चिंतन करने लगे कि यह चीज मुझे प्राप्त हो जाती यह चीज मुझे प्राप्त हो जाती, तो आप वन में नहीं हैं, आप तो संसार में हैं। संसार में रहकर यदि आप संसार का चिंतन करना बंद कर दीजिए तो आप वन में हैं। सब तन विरहे खाइया गल गया लोहू मांस। विरह की अग्नि क्या करती है, शरीर के एक एक रोम को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। जानबूझकर भोजन नहीं छोड़ा जाता, अपने आप हो जाता है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, आपको सूचना मिल जाए कि उसको चोट लगी है या कुछ हादसा हो गया है, तो क्या आपके सामने 56 व्यंजन रहेंगे तो आप खा पाएंगे। वही हालत उस विरहणी की होती है जब उसको लगता है कि मेरा प्रियतम मेरे से दूर हो गया है। आप रास की उस घटना को याद कीजिए, जब राजी अपना जोश खींचते हैं तो जो श्री कृष्ण जी का तन था अदृश्य हो जाता है और सखियों को ऐसा लगता है कि अब एक पल भी अब रह नहीं पाएगी। पूरे रासमंडल में हाहाकार मच जाता है, वन का एक एक पत्ता एक एक कुंज में खोजती फिरती है कहाँ है मेरा प्रीतम। जब बांसुरी बजती है ब्रज से जाते समय रास के लिए, तब भी यही होता है, राजी बांसुरी बजा रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। उस विरह की अग्नि में गोपियों ने अपने तन को छोड़ दिया। लेकिन इस जागनी लीला में हमारे साथ बहुत बड़ी हंसी हो रही है। ब्रज में कुछ पता नहीं था कि बांसुरी बजाने वाला हमारा कौन है। रास में पहुंचने के बाद पता चला कि हम जिससे रास करना चाहते हैं, प्रेम की लीला करना चाहते हैं, वही तो हमारा धनी है जिसके लिए हमने शरीर को छोड़ा है। इस जागनी लीला में सब कुछ पता है, परमधाम का भी पता है, इस क्रब्द का भी पता है, ब्रज रास का भी पता है, राज्य के दिल की मार्फत की बातों को भी हम पढ़ करके जानकार हो गए हैं, घंटों प्रवचन भी दे सकते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी हंसी है। जब हम कंगाल थे तो एक
किसी को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा नहीं देते थे, तो मजबूरी थी। अब तो हम अरबोपति हैं, फिर भी नहीं, पहले तो दे भी देते थे, अब अरबोपति बनने के बाद एक चुटकी भर आटा भी नहीं दे रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। मेरे कहने का आशय आप समझ गए होंगे कि जब मालूम नहीं था कि अक्षरातीत कौन है, तब तो हम प्रेम किया करते थे ब्रज में। इस जागनी के ब्रह्मांड में राज्य के नक्श से सिख तक का श्रृंगार आपको बार बार बताया जा रहा है। 7 बार राज्य ने अपने मुख से, अपने नक्श से सिख तक का श्रृंगार वर्णित किया है, लेकिन हमारा सारा सुंदर साथ जो 40 लाख की संख्या में है, चाहे अपने को निजानंदी कहे या प्रणामी कहे, मैंने कल भी कहा था कितने सुंदर साथ हैं जो चितवनी करते हैं, कितने सुंदर साथ हैं जो सोते समय अपने धाम हृदय में ईगल स्वरूप को बसा करके सोया करते हैं। जब हम बिस्तर छोड़ करके उठते हैं तो हमारी नज़र संसार पर पड़ जाती है, तरह तरह के कामों की याद आ जाती है, लेन देन का ध्यान तो रहता है, लेकिन यह नहीं सोचते कि उठने के बाद पहला काम हमें करना है अपने आराध्य को अपने हृदय मंदिर में बसा कर थोड़ी देर के लिए जी भर करके देख लेना, उसके बाद सारा काम करते रहें तो हमारा गृहस्थ जीवन भी सुखी रहेगा और हमारी आत्मा जागने की तरफ बढ़ती रहेगी। वही कह रहे हैं, सब तन विरहे खाया गल गया लोहू मांस, ना आवे अंदर बाहर या विद सुकत सांस। ये स्थिति है विरह की, ऐसा लगता है कि सांसें भी अटक गई है, ये चरम स्थिति होती है। उसमें तारतम महामंत्र का जप नहीं हो सकता, और सच बात यह है कि जो बेचारे माला लेकर जप करते रहते हैं उनसे कभी विरह में तड़पा ही नहीं जा सकता। विरह में कौन तड़पेगा, जिसको अपने शरीर की शुद्ध नहीं है। जब हाथ में माला है तो सारा ध्यान तो माला पर रहेगा, कितनी माला हो गई, अभी 50 दाने गिने, 50 बार तारतम हो गया, 107 बार हो गया, 108 बार हुआ, तो आप कहते हैं कि एक माला हो गई, फिर आप सोचते हैं दोबारा दूसरी माला कर ले। विरह में उस मछली से पूछिए कि तू कितनी बार करवट बदलती है। मछली को तो यह लगता है कि यदि अभी मुझे पानी में नहीं डाला जाएगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, खाना दीदार इनका, या सो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन थे मीठत प्यास। खाना दीदार इनका, ब्रह्मसृष्टि का भोजन क्या है, राज्य का दीदार। यासो जीवे लेवे श्वास, ब्रह्मसृष्टि किसके आधार पर जीती रहती है, रोटी दाल चावल से नहीं, 56 व्यंजन से नहीं, दीदार ही ब्रह्मसृष्टि का जीवन है जिससे वो अपने को इस संसार में रख पा रही है। यदि राज्य का दीदार न मिले तो उसके लिए संसार में रहना कठिन होता है। खाना पीना खिन खिन लिया, इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है, खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अर्श रोहन, पल पल मासूक देखना यही आहार आसिकन। आसिक ब्रह्मसृष्टि का भोजन क्या है, पल पल मासूक देखना, हर पल युगल स्वरूप का दर्शन होता रहे, इसी के लिए तो विरह में तड़पा जाता है। जो सामने मिला शरीर को चलाने भर खा लिया, केवल एक चाहत है राज्य सामने आ जाए, ये आंखें बंद हो और अंदर की आंखों से जी भर करके देखते रहें, इसी के लिए तो रास की वाणी है, प्रकाश की वाणी है। सत्युति जो विरह की वाणी कहलाती थी, कहलाती है, आपने उसकी चर्चा सुनी, कलश भी यही पुकार रही है। सनंद में भी कलश के ये प्रकरण आए हैं, किरंतन में भी विरह के प्रकरण है, और सिंधी तो पूरी विरह की वाणी है। रास से क्यामत नामा तक की वाणी विरह और प्रेम की वाणी है, जो चारों तरफ से हमें किसी न किसी रूप में परम धाम की तरफ ले चल रही है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि न आवे बाहर अंतर याबित सुखत श्वास, विरह में श्वासें भी इस तरह से सूख जा रही हैं, न तो अंदर निकल पा रही है न बाहर निकल पा रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, वह चरम स्थिति है जिसमें आत्मा को लगता है कि राज्य का दीदार नहीं हुआ तो अब शरीर छूट जाएगा। रू अल्लाह करी बंदगी यामे उनकी मैं, तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक में। विरह में तड़पने वाला कभी हिसाब नहीं रखता। आप पाठ रखवाते हैं ना 5,000 रुपये खर्च करके, तो आप हिसाब रखा करते हैं
कि मैंने वहाँ पर पाठ रखवाया है, देखता हूँ राजीव हमारी मन्नत पूरी कर देते हैं तो एक और पाठ रखवा देंगे। जैसे ऑफिस में किसी अधिकारी से काम कराना होता है तो आप शर्त रखते हैं कि एडवांस इतना ले लीजिए, जब आप काम कर देंगे तो हम पूरा पेमेंट कर देंगे। हम भी तो राजीव को ऐसा ही मानते हैं ना, दिल नहीं दिया, सच्चे हृदय से प्रेम नहीं किया, संसार की देखा देखी उन्हीं की भक्ति की हम नकल करने लगे। राज्य भी हंसते हैं कि मैं तो बैठा हूँ इनके दिल में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामय मंदिर नामय मस्जिद ना काबा कैलाश में। दुनिया भागी जा रही है मंदिरों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी अपने अपने स्थानों में भागे जा रहे हैं, लेकिन कोई बिरला होता है जो इस शरीर से परे संसार से परे अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने हृदय के कोमल भावों में उसको ढूंढने का प्रयास करता है। यदि हमें अक्षरातीत की पहचान हो जाए तारतम वाणी के प्रकाश में तो हम शरीर के और संसार के सारे मनोभावों को पार कर लेंगे और हमारी आत्मा यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में विहार करने लगती है। कभी उसको हौज कोसर दिखेगा, कभी मानिक पहाड़ दिखेगा, कभी राजी के चरण कमल दिखेंगे, कभी श्यामा जी के चरण कमल दिखेंगे, कभी दोनों के मुखारबिंद दिखेंगे और उनकी शोभा में डूबते डूबते वह स्वयं को भूल जाएगी कि मैं हूँ कौन। उसको एक ही रट लगी रहेगी कि यह जो सामने दिख रहा है यही मेरा प्राणेश्वर है। कलश की यह वाणी अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालती है। जैसे किसी राजा के सिर पर मुकुट की शोभा है, वैसे ही रास और प्रकाश के ऊपर इस कलश वाणी की शोभा है। रास प्रेम सिखाता, रास की वाणी प्रेम सिखाती है, खटुति की वाणी विरह सिखाती है और प्रकाश की वाणी यह सिखाती है कि हमारी आत्मा का प्रीतम मिहराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। इसलिए रास प्रकाश और खटुति की तीनों किताबें हफ्से के अंदर उतरी ताकि परम धाम का सुंदर साथ गाती को ही सब कुछ न मान ले। लेकिन आज भी तो देखा जाता है, आज भी मूल स्वरूप को कौन चाहता है, प्राणराजी को कौन चाहता है, सभी गादी पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उनको लगता है कि गादी में ही राजी है, राजी गादी में नहीं है। ऊपर तले अर्श ने कहया, अर्श कहया मोमिन कलोप। अपनी आत्मा के धाम हृदय में जब आप प्रेम से निहारेंगे तो आपके प्राणेश्वर आपके प्राण वल्लभ अक्षरातीत आपको मुस्कुराते हुए वहीं बैठे मिलेंगे। आवश्यक है सुंदर साथ के लिए कि वो तारतम वाणी के सागर में गोते लगाएं और यहीं बैठे बैठे इतनी बैठे घर जागे धाम पूरे मनोरथ हुए सब काम की स्थिति को प्राप्त करें। अब छपाई पूरी होती है, मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ कलश की वाणी से अपने हृदय को अवश्य झकझोरेंगे। यह चीज़ याद रखिए, जब खीर पकाई जाती है तो ऊपर से चखेंगे तो भी मीठी लगेगी, बीच से चखेंगे तो भी मीठी लगेगी, कहीं कड़वापन नहीं मिलेगा। चाहे आप रास की वाणी पढ़िए चाहे सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए, कहने वाला वही है, कहलाने वाला वही है और सुनने वाला भी वही है, केवल दृष्टि का अंतर होता है। रास की वाणी जिस समय उतरी हमारे जीव की जितनी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार तारतम ज्ञान का प्रकाश किया गया। सागर श्रृंगार में जो स्थिति है वो रास ग्रंथ में भले ही नहीं है, क्योंकि उस समय तक हमारी आत्मा में आत्मिक बल आ चुका था, लेकिन प्रारंभिक काल में सुंदर साथ इस योग्य नहीं था कि खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार के बोझ को उठा सके। इसलिए तीन ग्रंथों का जो अवतरण हुआ रास प्रकाश खटुति ये सुंदर साथ को मार्गदर्शन देने के लिए, ये कलश की वाणी उतरती है सूरत में और इसका हिंदुस्तानी भाषा में अवतरण हुआ अनूप शहर में। कलश की वाणी ने दर्शा दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय प्रेमी रमाणु रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखी जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ, मैं बिहारी जी की गादी बने बैठा हूं। हम कहाँ खोजते हैं अक्षरातीत को, गादी में खोजते हैं। इसने इस भ्रम को हटाने के लिए कलश वाणी को जब श्री जी ने भेजा बिहारी जी के पास तो क्या कहते हैं, यह कलश नहीं क्लेश है। खटुति को पढ़कर पहले ही नाराज हुए थे और कलश को पढ़कर और कह दिया कि ये बिल्कुल ये तो क्लेश करने वाला ग्रंथ है, मैं इसको नहीं मानता। अभी तक में स्पष्ट लिखा है कि ना मानी किताब को,
इसलिए यदि हम कलश की वाणी की एक चौपाई को भी हम आत्मसात कर लेंगे, रास नो प्रकाश थियो ते प्रकाश नो प्रकाश, रास ग्रंथ से जो दर्शाया गया उसका प्रकाश कलश में, प्रकाश के द्वारा प्रीतम की पहचान दी गई और सबके ऊपर रास प्रकाश और खटती के ऊपर जो ये कलश वाणी है वो वैसे ही है जैसे राजा के सिर पर मुकुट होता है या किसी मंदिर के ऊपर कलश होता है जो मुकुट के समान सुशोभित होता है। जिसने कलश की पहचान कर ली उसने ये पहचान कर लिया कि जागनी लीला में अब हमें क्या करना है और हमें किसको अपना आराध्य मानना है, क्या गादी को मानना है कि अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को खोजना है। अब चपाई दो सब तन भी रहे खाया गल गया लोहू मांस, न आवे अंदर बाहर या विद सुकत श्वास।